थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलीखेड़ा में जमीन विवाद के चलते समाज की बैठक के दौरान हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिंगोली तहसील के ग्राम पिपलीखेड़ा में बंजारा समाज के दो भाइयों के बीच रास्ते का विवाद था, जिसके निपटारे को लेकर देवनारायण मंदिर पर समाज पंचों की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान बात ही बात में दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी देवीलाल पिता मनोहर बंजारा निवासी पिपलीखेड़ा ने पुत्र राजू के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई सुल्तान पिता मनोहर बंजारा उम्र 50 साल को चाकू से गोद दिया और पंचों में भगदड़ मच गई। लोग घायल को संभालते तब तक एक आरोपी मौके से भाग गया। सूचना पर तुरंत ही थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर मुकेश धाकड़ ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी देवीलाल और उसके पुत्र राजू बंजारा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है तथा तुरंत ही अलग अलग टीमें बनाकर दूसरे आरोपी की तलाश के लिए भेजी गई। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री रविंद्र बोयट भी सिंगोली पहुंचे। मामले में किसी तरह से स्थिति न बिगड़े इसे लेकर वे काफी सतर्क थे, इसलिए उन्होंने जावत सहित अन्य थानों से अतिरिक्त बल सिंगोली बुलवाया है। ग्राम में दो सगे भाई हैं सुल्तान और देवीलाल, उनके कुछ रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद है, जबकि उनका आपस की जमीन है, कोई ऐसा क्यों नहीं था, लेकिन आज उसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ जिसमें सुल्तान की मृत्यु हो गई। देवीलाल पिता मनोहर और राजू जो उसका पुत्र है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मृतक का पीएम करा दिया गया है और कार्रवाई कर समझाइश दे रहे हैं हम लोग। उसके दो चार पांच महिलाएं आई हुई हैं तो उनका उनसे कहा है कि भाई आप जांच में जो भी कहोगे वो सब कार्रवाई करेंगे, अगर महिलाएं भी दोषी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।